और चंदन के पापा तो जल्दी से भाग लिए, कुछ बोल ना दें, वहां जाकर खड़े हुए दूर पे। तो ऐसा होता है, मतलब कुछ भी वीडियो के चक्कर में कहीं छुप जाए तो नमस्कार अच्छा। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। नमस्ते नमस्ते, लाखों से को कम कपड़े हमारे लगने करा कर पड़े हम। तो दोस्तों यहाँ पर कपड़ा धुल रहे हैं, ठंडी बहुत है और ठंडी में कपड़ा धुलना बहुत मुश्किल का काम होता है। चांदनी वहाँ कपड़ा उतार उतार हम कपड़ा उतार लिए है, तो कपड़ा भी धुली, इधर बर्तन भी धुल के रख दी हूँ। जल्दी जल्दी कपड़ा धुल लेते हैं, ठंडी बहुत लगता है। कपड़ा पूरे परिवार का कपड़ा साफ कर रहे हैं, गर्मी में बहुत आसानी से साफ हो जाता है। नीचे गिरा दी शीतल बंद। तो दोस्तों कपड़ा धुल के वहाँ पर रख दी हूँ, यहाँ बाल्टी में पानी भर रही हूँ डिब्बे में, तो पानी भर चुकी हूँ। और इधर किचन गार्डन में जो गोभी लगाई हूँ, सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, सींच देते हैं तो हल्की सिंचाई करना है। तो जो गोभी का बड़ा पौधा है वो भी सिंचाई कर रहे हैं, ये भी हल्का सिंचाई करना है। तो हमारी एक दो बहन पूछी है, संगीता गुलाब के पौधे में कौन सा खाद रखते हो? तो खाद तो कोई नहीं रखते हैं खास, वैसे जब गुलाब लगाई थी तो गोबर का खाद रखी थी, करीब हो गया होगा एक साल, तब से नहीं रखती। और बराबर यही है, पौधे में पानी देना रहता है। तो अब यहाँ गमला नज़दीक हो गया तो पानी भी मिल जाएगा बराबर। तो बीच में हल्का धूप निकलता था, अब इस बीच में धूप आज निकला ही नहीं, तो आज बिल्कुल कोहरा ही छाया हुआ है। तो यहाँ पर सारा कपड़ा फैला देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ से लेकर पूरा देखिए अर्जन कपड़ा से भर गया, फैला दी। तो यहाँ चूल्हे का लिपाई कर रही हूँ और बहुत अच्छे से लीप रहे हैं। तो लिपाई लग रहा था छूट गया, अब नहीं लीपना पड़ेगा, लेकिन अब तो सुबह शाम लीपना पड़ता है, जब भी खाना बनाओ तब भी। और चूल्हे का खाना अच्छा भी लगता है, तो अब तो मेरे पूरा परिवार बोलते हैं चूल्हे पे बनाओ, तो शाम के टाइम तो बनाती हूँ, आप उसे बताई हूँ। तो दोस्तों चूल्हे का लिपाई कर चुकी हूँ, यहाँ आगे लिपाई कर रही हूँ कुछ इस तरह, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। तो यहाँ लीप रही हूँ, लगभग लीप ही चुकी हूँ। तो यहाँ हमारा पोछा लग गया, देसी पोछा है ये। तो इसी तरह पहले पोछा सब लगाया करते थे, अब भी लगाते हैं हमारे गांव में। तो यहाँ पर रख देते हैं पत्नी को, तो चलते हैं बकरी को निकालते हैं नदी के। तो यहाँ पर बांधने वाला रख दी हूँ और देखिए कितना व्यवस्थित से हम रखते हैं इन सबको। तो पॉलिथीन लगाए हैं और पॉलिथीन को यहाँ पर पॉलिथीन हटा दिए और इनको सुबह 7 बजे 8 बजे के बीच में निकाल भी देते हैं। तो एकदम सुबह नहीं निकालते जब उठते, क्योंकि इनको ठंड लग जाएगा और निकलेंगी भी नहीं ये आसानी से। आ जाओ। तो यहाँ पर एक को रस्सी लगा दी, तो चांदनी भी आ गई मदद कराने है। तो हम ले चलते हैं, यहाँ अलाव जलाए हुए हैं, चंदन के पापा ताप रहे हैं। चंदन के पापा का अच्छा है, सुबह उठो तापो बैठ कर आसानी से, और यहाँ खींच रही है तो ले जा रहे हैं। तो बकरी बांध के आ गई, यहाँ हाथ सेक रही हूँ, चलती हूँ किचन में, आप सबको दिखाती हूँ। और धुआं हो रहा है तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा साफ। अंजलि को मोजा जूता पहना रहे हैं। तो अभी कितना बजे स्कूल जाना है अंजलि? 7 बजे। अभी स्कूल का टाइम भी नहीं पता है, 9 बजे जाना होता है। कितना बजे जाना होता है? 9 बजे स्कूल जाना होता है। तो अंजलि को बताई फिर बता पाई, तो चलती हूँ किचन में। तो
तो मैं अभी लिपाई कर रही थी, वहां बकरी निकालने का काम कर रही थी, पूरा झाड़ू भी लगाई। तो इधर गुंजन हमारी आटा चावल जो भी निकालना बनाना है ले आई है। तो यहाँ पर गुंजन शीतल बात कर रही है किचन में बैठ के। तो चलती हूँ मैं गांव में दूध लेकर आती हूँ और चाय बनाने के लिए। तो इतना सारा काम करने के बाद में कोई जाने वाला है नहीं दूध लाने, तो हम ही को जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, निकलते हैं। तो यहाँ मुर्गियाँ दाना चुग रही है, यहाँ पर बकरी आवाज़ दे रही है हमें देखकर। तो हमें इसी रास्ते से जाना है और बकरियाँ चिल्ला रही हैं, तो अभी चारा थोड़ी देर में देंगे उनको। गांव में गई थी दूध ले ली हूँ, चलती हूँ घर पे। तो इतना दौड़ भाग करना पड़ता है, सुबह अभी बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो मैं दूध लेकर आ रही थी, उधर चंदन भी आ गए। चंदन क्या लिए हो? तो चंदन रस लिए हूँ, मेरा बाल बिखरा है, अभी कंघी नहीं की हूँ, देखने में अजीब लग रहा। तो चंदन यहाँ रस लेकर आ रहे हैं और हम सबको इसी तरह भाग दौड़ करना पड़ता है, ज़्यादा चंदन को या तो हमको। तो यहाँ पर दूध लेकर तो आ गई, चंदन के पापा का एक ड्यूटी अंजलि को तैयार करने जा रही हैं, तो यह सबसे बड़ी ड्यूटी होती है हमारे लिए। शीतल यहाँ पर बिस्तरा अपना उठा के ले जा रही है सुखाने के लिए। सब लोग लगे हुए हैं काम में सुबह सुबह, देखिए पूरा बिस्तरा ही उठाई है। तो बाथरूम के पास ले जाएगी कहीं पे, लकड़ी पे फैलाएगी। गुंजन यहाँ दूध ले ली और मैं घर पे आ गई। कुकर में सीटी लग रहा है। तो आज का ब्लॉगिंग कैसा लग रहा है? चल चल के कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। तो गुंजन दूध डाल दी, दिखाई भी नहीं आप सबको चाय बनते हुए, तो हंस रही है। वैसे चाय बनाते हुए सब बनाते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग का होता है तो दिखाना ज़रूरी होता है। चंदन जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, नमस्ते कर दो। नमस्ते। तो बताने पे नमस्ते किए। तो अब चलते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को खाना बना के देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ अंजलि बात कर रही है अपने पापा से बैठकर। क्या बोल रही हो अंजलि? और यहाँ कपड़ा सिकाई करके पहनाएंगे, तो जा रहे हैं पहनाने कपड़ा। दाल पक रहा है, दाल पक चुका है, वहाँ पे चाय में उबाल आ चुका है, आ जा रहे हैं छानने। तो दोस्तों दाल बहुत महंगा है, 110 रुपया किलो अरहर का छिलका वाला। तो सब्जी तो सस्ती पड़ जाती है, तो कई लोग को दाल पसंद है, बच्चे ज़्यादा दाल खाते हैं, तो बच्चों के लिए दाल बना देते हैं। और हम सब सब्जी पसंद भी है, सब्जी तो सब्जी ही बना लेते हैं। चाय को छान रहे हैं, तो चाय को गुंजन छान रही है, मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ। तो दोस्तों इधर हमारा चावल पक गया है और सब्जी पका रही हैं, चावल को जला देते हैं। सब लोग अपना अपना चाय पी लिए हैं और तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ चावल को जला देते हैं नदी के लिए। तो हमारा चावल अच्छे से पक गया है। तो दोस्तों गैस बंद कर दी हूँ, आधा रोटी बनाई आधा नहीं बनाई। तो यहाँ बच्चों का टिफिन तैयार कर दी हूँ, एक में सब्जी रख दी हूँ मैं, दाल चावल और रोटी। तो सब लोग तीनों लोग मिलके खा लेंगे। ले चलते हैं, देते हैं सबको, यहाँ पर रख देती हूँ। तो अंजलि को भी तैयार कर दिए हैं। तो यहाँ गुंजन और अंजलि जा रही हैं पढ़ने, अपनी पीछे ही रुकी हुई हैं, खाना रख रहे हैं चंदन के पापा। तो यहाँ शीतल भी निकल रही है स्कूल के लिए, सबका लेट हो रहा है, गुंजन डांट लगा रही है, तो जा रही है। तो बच्चे तो स्कूल चले, अब चलती हूँ खाना बना लेती हूँ जो बाकी बनाई नहीं हूँ। और चंदन के पापा तो जल्दी से भाग लिए, कुछ बोल ना दें, वहाँ जाकर खड़े हुए दूर पे। तो ऐसा होता है, मतलब कुछ भी वीडियो के चक्कर में कहीं छुप जाए तो अच्छा है, लेकिन कैमरा के सामने आना नहीं चाहते, वहाँ भाग के खड़े हुए यहीं पे थे अभी। यहाँ बकरियों के लिए चारा बना रहे हैं, ले जा रहे हैं देने खाने के लिए, वहीं पे बांध आए हैं बाथरूम के पास। तो यहाँ पर चावल आटा जो भी मिलाना था मिला ली हूँ, अब लेकर चलते हैं। देखिए इतना सारा चारा
मिलाई। तो अभी भी खाना हम सब खा चुके हैं और इधर का साफ सफाई पूरा किचन का कर दी हूँ, बर्तन धोना बाकी है। तो देखिए इतना सारा दवाई खाना पड़ता है, डेली का काम है सुबह शाम, तो इतना गोली एक साथ में खाना है, तो मन उब गया है दवा खा कर ले। तो ऐसा पीछा कर लिया है दवा की लगता है छोड़ेगा नहीं। तो खा लेते हैं खाना, खाए एक घंटा हो गया और अब दवा खाएंगे, तो एक साथ में सारा गोली खाना है। के लिए यहाँ पर देखिए जलेबी लेकर आई हूँ, बच्चों को दे रही हूँ सबको, तो यहाँ सबको दे रही हूँ, सब लोग खा रहे हैं और आज हम भी खाने जा रहे हैं। ये इमरती वाला है, तो ये इमरती जलेबी है, ये दूसरा शायद उड़द का और मैदे का ही बनता है। बहुत मीठा लगा। आज हम भी जलेबी खा रहे हैं। हम ऐसा वाला जो मैदा का बनता हमें नहीं पसंद लगता, पता नहीं क्यों, और ये वाला अच्छा लग रहा है। खाना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। तो कल वाला कमेंट बहुत अच्छे से आया, तो हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को क्रिसमस डे का हार्दिक शुभकामनाएं, नया साल मुबारक हो, आपकी साल जैसा भी बीता अच्छा बीता, आने वाला साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, मेरे लिए भी दुआ करना, और इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।